रैली अंतर्गत ग्राम चांदपुर में हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने हाई स्कूल के प्राचार्य और कंप्यूटर ऑपरेटर से सुबह स्कूल समय में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए झूमा झटकी की, जिसकी शिकायत कंप्यूटर ऑपरेटर ने प्राचार्य के साथ थाना रैली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। स्कूल के शिक्षकों और छात्राओं ने भी एक लिखित आवेदन देकर छात्र पर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शासकीय हाई स्कूल चांदपुर में पढ़ने वाले आदर्श दुबे, जो कि चांदपुर का ही निवासी है, 12वीं का छात्र है। चांदपुर हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर प्राचार्य, महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक सभी छात्र से इतने परेशान हैं। इस स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने बताया कि स्कूल के कमरों में बने पटल पर छात्र के द्वारा शायरियों का लिखना, लड़कियों को देखकर छींटाकशी करना, और हद तो तब हो गई जब शिक्षक ने ये सब करने से मना किया तो प्राचार्य और शिक्षक से बदसलूकी की गई। बीच बचाव करने पहुंचे स्कूल में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर नवनीत दुबे ने जब समझाने की कोशिश की तो कंप्यूटर ऑपरेटर को गालियां देते हुए छात्र मारने को भी तैयार हो उठा। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर ने और छात्राओं ने एक आवेदन छात्र के खिलाफ दिया है। सर, आदर्श दुबे ने क्लास में अनुशासनहीनता की। उसने ब्लैक बोर्ड पर शायरियाँ लिखी और पंखे में हाथ मारकर बंद पंखे को ऐसे मोबाइल से मारती और फोन चलाती क्लास में बैठकर मैम लोगों के साथ भी बैठ। कुछ दिनों से स्कूल में अभद्रता कर रहा था और स्कूल के जो शिक्षक स्टाफ है उनकी बात ना मानना, शिक्षकों से ही उल्टा सीधी जवाब देना, गाली गलौज का प्रयोग करना, छात्राओं को तरह तरह से परेशान करना, स्कूल में जो क्लासरूम है उसके ब्लैक बोर्ड पर भी उल्टी सीधी बातें लिख देता था, मतलब शायरी लिखना और पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न करता था। इस बात पर शिक्षकों द्वारा उसको कई बार समझाइश भी दी गई लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। तो इसी बात को लेकर प्राचार्य महोदय द्वारा उसको पिछले शायद कल या परसों में उसको यहाँ से रजिस्ट्रिकेट की जाएगी तो आपको सिर्फ परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, आप यह स्कूल का कोई भी प्रकार से माहौल ख़राब ना करें। और बार बार समझाने के बाद भी कल फिर यहाँ ग्रामवासी भी आए थे तो कम से कम 60-70 ग्रामवासी आए और सब ने एक मत होकर यही कहा कि उसके लिए स्कूल से रजिस्ट्रिकेट करना ही उचित रहेगा। गाँव की समस्त बच्चियाँ पढ़ती हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं और सबकी सुरक्षा की दृष्टि से यही निर्णय लिया था कि उसको स्कूल से अभी वर्तमान में बाहर रखा। और कल हमारे पास भी वो लड़का आया था और उसको हमने व्यक्तिगत समझाया कि बेटा तुम्हें अपना भविष्य बनाना है तो अभी ये साल निकाल लो, 12वीं हो जाएगी फिर वो कोई बात नहीं, और 8-10 दिन तुम नहीं देखना। लेकिन आज संवाददाता साहब को फिर आ गया था और यहाँ पर हमारे जो ऑपरेटर महोदय नवनीत दुबे जी हैं उनके साथ उसने हाथापाई भी की और प्राचार्य महोदय को भी उसने गाली गलौज से संबोधित किया